हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के घोषणाओं की स्थिति पर तंज कसते हुए कांग्रेस की गारंटी और घोषणाओं पर सवाल उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने जो वादे किए 11 माह बाद भी उस पर अमल नहीं हुआ। कांग्रेस ने हिमाचल में 10 गारंटी की बात की थी, 1500 रुपए महीना हिमाचल की सभी महिलाओं को देने की बात भी कही थी, लेकिन कांग्रेस की गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं बहुत दूर से आया हूं और इसलिए दूर से आया हूं कि जिनका अभी आप सुन रहे थे, आपके इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, वो भी हिमाचल प्रदेश में बहुत दूर से आए थे और वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव के प्रभारी थे और हमें भी उस वक्त लगा कि इतने दूर से हिमाचल का प्रभारी बनाने का कोई खास मकसद होगा, लेकिन वो सारी बातें धीरे धीरे आ रही हैं क्योंकि व्यवस्थाओं का काम इनके जिम्मे लगाया गया था और व्यवस्थाओं के स्रोत भी अब मालूम हो करके यहाँ पर देख सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में जहाँ प्रदेश के विषय हैं उन पर तो हमारे यहाँ के स्थानीय प्रमुख नेता बोलते ही हैं, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव से पहले झूठी गारंटी का ये विषय जिस तरह से लोगों के बीच में जाना चाहिए उसका पटाक्षेप करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। अभी आपने कुछ स्लाइड्स देखी होंगी और उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, और वो भी आपने इस बात को देखा होगा कि झूठ की कहानी जो है वो कांग्रेस नेताओं की ही जुबानी आपने सुनी, हर सभा में हर कार्यक्रम में इसी बात को लेकर के कहते रहे। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में उन गारंटी से संबंधित क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का वो वचन पत्र है जिस पर उनने चुनाव लड़ा था और 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश में उनने दी थी, प्रमुख रूप से 10 गारंटी और उसमें कुछ गारंटियों का आपने यहां पर जिक्र सुना। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा जिसका जिक्र आपने सुना भी होगा, यहां पर जो बात कही कि हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए प्रदेश की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं के खाते में जनवरी के महीने में आता रहेगा, यानी कि चुनाव लगभग लगभग हिमाचल प्रदेश में एक साल पहले हुआ था, 11 महीने पहले, तो ये बात उन्होंने कही थी। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल 11 महीने का पूरा हो गया, लेकिन एक भी महिला के खाते में 1 रुपया अब तक नहीं आया। अगर हम इस बात को देखें तो हिमाचल की पॉपुलेशन के हिसाब से महिलाओं की संख्या जो 18 से ऊपर की जो संख्या आती है लगभग 22 लाख आती है, 22 लाख संख्या बनती है, तो एक पहला झूठ यही कि जो कहा था कि 1500 रुपये आपके खाते में जनवरी के महीने में आ जाएंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लेकर के आपको ये पैसा मिलता रहेगा। तो सबसे पहली बात ये कि जो गारंटी दी वो गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई, यानी कि झूठ बोला, गुमराह किया, और आज कांग्रेस के नेताओं को इस गारंटी के कारण महिलाएं चौक चौराहे पर सभाओं में कार्यक्रमों में पकड़ करके पूछ रही हैं उस गारंटी का क्या हुआ, एक बात यह। उसी तरह से आगे बढ़ करके दूसरी बड़ी गारंटी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी बेरोजगारों को और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। जैसे आपने सुना होगा, यहां प्रियंका गांधी जी भी आपको सुना रही हैं, हम तो उनकी ही बातों का जिक्र करने के लिए आए हैं आपके बीच में, और इसलिए ये छोटे छोटे जो वीडियो क्लिप्स जो है आप बहुत मददगार हुए हमारे लिए कि उन्होंने बोला है, आपने सुना है।
और ये जाकर के लोगों के बीच में कहा। 11 महीने का कार्यकाल पूरा हिमाचल प्रदेश में हो गया, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के व्यक्ति को, नौजवान को नहीं प्राप्त हुई। उल्टी जो हिमाचल प्रदेश में जो कमीशन के अंतर्गत और जो भर्तियां की प्रक्रिया चली थी उसके परिणाम अभी तक लंबित हैं। तो बेरोजगारों के साथ झूठ बोल करके, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, गारंटी नौकरी देने की थी, लेकिन 10,000 हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया 7 महीने से, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू होती है, इस फाइनेंशियल ईयर का कोई भी सैलरी उनको नहीं दी गई। यहां तक कि वो बच्चे भी जिनको कोविड के दौरान संकट में दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला, उन लोगों को ना तो सैलरी दी है 7 महीने की, और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया।